Excuse me. ऐसा नहीं मिल सकता हूँ? पूछ सकता हूँ किस लिए? वो मैं सोनल को बताऊंगा। उससे पहले मुझे बताना होगा। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शी इज माई वाइफ, तुम उससे दूर रहो। ये आप नहीं, सोनल तय करेगी। कैन आई स्पीक टू हर? वो इस वक्त घर पर नहीं है। सोनल, ये बता रहे हैं कि तुम घर पे नहीं हो? मिस्टर विकी, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी बीवी किससे मिलेगी और किससे नहीं, समझे तुम? राज, तुम्हें ये हक किसने और कब दिया? अच्छा, इस लड़के के साथ मेलजोल ने तुम्हारी जुबान इतनी खोल दी? पूछ सकता हूं क्या लगता है तुम्हारा? कुछ नहीं लगता हूं इसका, बस मुझ पर भरोसा है, जैसे एक दोस्त दूसरे पे करता है, जो वो तुम पर नहीं करती। तो दोस्ती की आड़ में ये सब कुछ चल रहा है? एक्सक्यूज मी, इतनी गंदी नजरों से हमारी सच्ची दोस्ती को मत देखिए प्लीज। तुम इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। गेट आउट। नहीं, सोनल बताएगी मुझे कि मुझे निकलना है कि नहीं। इस आदमी से कहो कि इसी वक्त यहां से चला जाए। निकलना मुझे इस घर से, मैंने तय कर लिया है। सोनल, चिल्लाओ मत राज, अब तुम्हारी ऊंची आवाज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। Give me a minute, विकी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम मुझे आखिरी बार इसलिए समझा रहे हो क्योंकि तुम डर गए हो। तुम डर गए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सोनल असलियत जानने के बाद तुम्हारे साथ नहीं रह सकेगी। शट अप। ओ विकी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? एक्सक्यूज मी, ऐसे रोकने की कोशिश की, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो तुम। राज, बस करो ये नाटक। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ गई हूँ। विकी चलो। सोनल। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अरे सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दुबई में शो जरूर होगा। हाँ जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल्स आपको भेज देता हूँ। जी हाँ सर, सोनल मल्होत्रा जरूर गाएगी और पूरी दुबई में उसकी आवाज गूंजेगी। ओके सर।